दोनों गाड़ियों की अगर बात करें तो हमारे पास एक वर्ना एक XUV 500। अब दोनों की अगर पावर स्पेसिफिकेशंस की बात करें, ये आती है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ, जो कि प्रोड्यूस करता है 113 BHP एंड 144 NM टॉर्क। तो अगर उसकी बात करें तो वो आती है 2.2 लीटर डीजल इंजन के साथ, एमॉक इंजन, वो प्रोड्यूस करती है 140 BHP एंड 320 NM टॉर्क। तो मतलब टॉर्क वगैरह में तो डिफरेंस है, बट ओवरऑल एक वेट का भी इक्वलाइज न्यूट्रलाइज हो जाएगा जो वेट का पावर का एडवांटेज उसके पास है। तो अभी देखते हैं फर्स्ट राउंड में कैसा रहता है और करते हैं ड्रैग रेस शुरू। मैं आगे बैठ चुका हूं XUV 500 में। अगर दोनों गाड़ियों का AC वगैरह ऑन रखेंगे, फर्स्ट राउंड शुरू करते हैं। तो करते हैं भाई पहला राउंड शुरू। और इनिशियल में गई XUV आगे, और अब मुझे नहीं लगता कि वो कोप अप कर पाएगी इसके साथ। और ये देखो, बट आ रही है हल्की, नहीं आ रही है हल्के आगे आ रही है, आ रही है रह गई। अरे गई। अगर थोड़ा सा लंबा ट्रैक होता गई थी। हल्का पीछे से शुरू करते हैं इस बार, एक राउंड और लेके देखते हैं। भाई पकड़ रही थी, आगे निकल जाती। तो गाइस अब सेकंड राउंड में दोनों गाड़ियों का एसी ऑफ कर लिया है, ट्रैक्शन भी ऑफ कर दिया मैंने, ट्रैक्शन भी ऑफ कर दिया, इसमें है ही नहीं, बस अच्छी बात है। तो गाइस अभी करते हैं सेकंड राउंड शुरू, और प्रॉपर लॉन्च हुआ इस बार, ऑलमोस्ट बराबर। अरे निकल गई, वरना इस बार आगे निकल गई। अरे बराबर। और ये गई वरना आगे, ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं किया है, बट आगे निकल रही है। आधी गाड़ी के हिसाब से वरना आगे है, ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाई। तुषार के कहने पे हमने, ऑल्दो वरना इस बार जीती थी, हमने एडवांटेज उसको दे दिया। अब हमें इधर तीन लोग हो गए हैं इस राउंड में, तेरे को जिता दिया भाई, तो उसके बाद भी तेरे को एडवांटेज चाहिए भाई, ले ले बच्चा है भाई। वरना ने सेकंड राउंड जीता है, उसके बाद उसको एडवांटेज दिया है। ठीक है भाई, तुषार का वो एडवांटेज ले रहा है, अगर तो मैं भी हल्का सा मैनुअल वाला एडवांटेज लेने की कोशिश करता हूं। करते हैं सेकंड राउंड शुरू, तेल फुकवा, थर्ड राउंड शुरू करते हैं। तो भाई थर्ड राउंड में जो है, अब अगले ने एडवांटेज लिया तो मैंने भी गाड़ी मैनुअल पे लगा ली अब की बार, और लॉन्च तगड़ा तो लेना ही है। और अब फिर से ऑन बजने वाला है। नहीं, पीछे रहेगी भाई, आगे अड़ा दो इसके। अरे आ गई। कितने की स्पीड पे आ रही है? और ये स्पीड 120 पे क्रॉस कर रही है भाई। गाइस ये था एक एडवांटेज के बाद, थोड़ा सा वेट बढ़ाते ही फर्क आ जाता है जबरदस्त। देखिए भाई, दोनों राउंड जो वरना जीती है ना, हाँ। एक में उसको लॉन्च पहले दिया गया था, हाँ। दूसरे में बंदा साथ बैठा हुआ था। सो अब मैं वापस वरना में जा रहा हूँ भाई, और अब जो लॉन्च वो फाइनल राउंड होगा भाई, अपने तोते खोल देना, कोई लॉन्च में दिक्कत नहीं रखे। ठीक है क्योंकि ये जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई ट्रैक, जितनी भी अब तक यहाँ पर इस ट्रैक पे हुई है ना। और भाई पहले से ही कह रहे थे कि इनकी टक्कर अच्छी होगी। हाँ। तो गाइस फाइनल राउंड कर रहे हैं, इसमें दोनों गाड़ियों का ट्रैक्शन ऑफ रहेगा। सभी भाई वापस, तो भाई फाइनल राउंड टॉप एंड पे मेरी गाड़ी एसी ऑफ है, ट्रैक्शन ऑफ है, स्पोर्ट्स मोड पे लग चुकी है, स्पोर्ट्स तो खैर मैनुअल वाला है, और लॉन्च मेरे को अच्छे से लेना पड़ेगा। करे भाई और ये बढ़िया लॉन्च हुआ, इनिशियल में वो पीछे रह जाती है, बट अब आई गैस कवर करने लग जाएगी। नहीं गैस नहीं, अभी तक तो नहीं, अब आ रही है हल्की आगे आ रही है, बट नहीं वो वेट का जो एडवांटेज है उसको था उतना इस बार नहीं हो पा रहा। आ गई भाई, ब्रेक ले लिया उन्होंने, नहीं आती मतलब जीत नहीं पाती ड्रैग में, तो ऑब्वियसली नहीं जीत पाती, ड्रैग होता ही भाई 120 का है, तो उसमें तो नहीं जीत पाती। हाईवे पे आई थिंक शायद निकल ही जाएगी, एरोडायनामिक्स का फर्क हाँ बहुत ज्यादा, और पेट्रोल गाड़ी का टॉप एंड अच्छा होता है। चार राउंड करे हैं,
दो तू जीता है, दो मैं जीता हूँ। कंक्लूड कर दिया मैंने, मैं समझा रहा हूँ। रोलिंग कर लेते हैं, इक्वल हो जाएगा भाई। एक जरूरी है, दो वो जीतता है, दो मैं जीता हूँ, एक आखिरी जरूरी है। डिसाइडिंग तो खैर क्या, रोलिंग रहेगा। एक फाइनल रोड रेस कर रहे हैं। अबे स्पीड सेट करो ना, उठाना क्या ब्रह्मांड उठा रहे हो। चलो यहीं से करो फिर, क्या है। तो गाइस अब कर रहे हैं एक रोड रेस, 30 पे शुरू करेंगे। दे दिए भाई, मैं 30 हफ्ते ही भगा लूंगा। ऑन देगा अगला, क्या करूं, डी पे या मैनुअल पे। डी पे चलन दो, शिफ्टिंग बढ़िया रहती है। शिफ्टिंग डी पे चलो भाई। तो देखो यार, चार राउंड करे, दो एक सीवी जीती, दो वरना जीती एडवांटेज देने के बाद। लास्ट वाला राउंड भाई उसमें पता चल गया मेरे हिसाब से तो यही है ड्राइविंग में। बाकी लास्ट एक हल्का सा रोलिंग सा करेंगे हम। और ये रोल में भी पीछे रह गया भाई, तो वो मैंने एग्जैक्ट 30 पे शुरू कर दिया था। अब अगर वरना आगे आ गई तो वरना विनर हो जाएगी, अदरवाइज तो नहीं। अब नहीं आएगी भाई। अरे आ रही है, ब्रेक ले लिए, बट ट्रैक खत्म हो गया। तो ट्रैक तो फिर से गाइस XUV 500 ही जीतती है मेरे अकॉर्डिंग तो। बट अगर हाईवे पे हो गए तो वहाँ पे वो पकड़ने लग गई थी। तो गाइस 5 राउंड करने के बाद 3 राउंड जीती XUV, 2 राउंड जीती वरना। अब इसमें क्या था कि अगर हम एडवांटेज दे रहे थे वरना को तो ड्रैग वो जीत रही थी, अदरवाइज फेयर अगर इक्वल रख रहे थे तो XUV ही आगे रह रही थी। ऑल दो हाईवे पे वरना आगे निकल जाएगी अल्टीमेटली, बट अगर ड्रैग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो XUV जीतती है, XUV 500। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो गाइस लाइक कर देना, दोनों में से आप बताना आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा पसंद है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टाटा, बाय बाय, और बहुत सारा प्यार आपको।